हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है बॉलीवुड क्विज़ पार्ट टू। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और भी मेरे कई सारे जीके रिलेटेड वीडियोज़ है जिसकी मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वो हर वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ऑडिशन में और KBC के हर लेवल में आपको काम आएगा। और प्लीज़ जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग GK रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएगी। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑडिशन एंड फॉर हॉट सीट, क्योंकि वो लिटरेचर पे होगा। जो कि क्वेश्चंस लिटरेचर पे आते हैं वो टफ रहते हैं थोड़े, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, द मूवी इज बेस्ड ऑन विच स्पोर्ट। फिल्म किस खेल पर आधारित है? आपको बताना है ये जो छुंड मूवी है वो किस स्पोर्ट्स पर आधारित है जिसमें अमिताभ बच्चन है। तो ये है सॉकर। ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट फिल्म है जो कि बेस्ड है विजय बारसे पे, और विजय बारसे का जो कैरेक्टर है वो अमित जी ने निभाया है, जो कि फाउंडर है NGO स्लम सॉकर के। तो याद रखिएगा, जो विजय बारसे हैं वो इज़ द फाउंडर ऑफ NGO स्लम सॉकर, और अमिताभ बच्चन जी ने वही कैरेक्टर प्ले किया है। क्वेश्चन नंबर टू, आइडेंटिफाई द मूवी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मूवी है वो कौन सी मूवी है। तो ये है मूवी जलसा, ठीक है, और इसमें है विद्या बालन और शेफाली छाया। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज़ द लास्ट मूवी ऑफ ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म कौन सी है? तो आखिरी जो मूवी है वो है शर्मा जी नमकीन। ये देखिए, हितेश भाटिया द्वारा निर्देशित ऋषि कपूर, जूही चावला, सुहेल नय्यर और ईशा तलवार की जो ये अभिनीत फिल्म है, यह फिल्म 30 अप्रैल 2020 को उनकी मृत्यु के बाद ऋषि कपूर की अंतिम स्क्रीन उपस्थिति रही है। परेश रावल ने कपूर की भूमिका पूरी की। क्वेश्चन नंबर फोर, हु प्लेड द रोल ऑफ क्रिकेटर प्रवीण तांबे इन द मूवी कौन प्रवीण तांबे। कौन प्रवीण तांबे फिल्म में क्रिकेटर प्रवीण तांबे की भूमिका किसने निभाई थी? ये देखिए, ये कौन प्रवीण तांबे, तो इसमें किसने भूमिका निभाई है प्रवीण तांबे की? श्रेयस तलपड़े ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, आइडेंटिफाई द मूवी। फिल्म की पहचान कीजिए। तो ये जो मूवी है दैट इज़ बॉब बिस्वास, और ये है अभिषेक बच्चन, और दिया अन्नपूर्णा घोष जो है उन्होंने डेब्यू किया है एज अ डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द अपकमिंग मूवी सर्कस इज डायरेक्टेड बाय होम। आगामी फिल्म सर्कस किसके द्वारा निर्देशित है? ये देखिए, इसमें रणवीर सिंह है एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज़ द अपकमिंग मूवी ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रश्मिका मंदाना। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म कौन सी है? तो वो है मिशन मजनू। ये देखिए, यह है सिद्धार्थ मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर एट, बेस्ट एक्टर अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड का बेस्ट एक्टर अवार्ड इस बार किसे गया है? तो वो गया है रणवीर सिंह फॉर द मूवी 83। 83 को डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। कपिल देव रामलाल निखंज रियल नेम है कपिल देव का। कुछ इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड्स है वो देख लेते हैं एज अ रिविजन के तौर पे। फिल्म ऑफ द ईयर गया है पुष्पा द राइज, बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर 83, बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सैनन मिमी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर केन घोष को मिला है फॉर स्टेज ऑफ सीज, टेंपल अटैक, और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री गया है आशा पारेख जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर रिविजन, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑडिशन में ज़रूर पूछी जाती है और KBC के हॉट सीट में भी ये बहुत आपको काम आएगी। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल सतीश कौशिक फॉर कागज़। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल लारा दत्ता को बेल बॉटम के लिए मिला है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल आयुष शर्मा फॉर अंतिम द फाइनल ट्रुथ। बेस्ट क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म गया है सरदार उधम को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा फॉर शेरशाह। बेस्ट डेब्यू मिला है आहन शेट्टी फॉर तड़प, जो कि सुनील शेट्टी के बेटे हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल गया है
विशाल मिश्रा को और बेस्ट फीमेल सिंगर फीमेल गया है कनिका कपूर को, तो याद रखिएगा। ये देखिए ये अवार्ड भी अच्छे से देखिए, ये भी पिक्चर में पूछा जा सकता है पिक्चर क्विज में, तो सब चीज़ों पे अच्छे से गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्ट्रेस हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है सुष्मिता सेन को, याद रखिए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ द लीड एक्टर इन द वेब सीरीज फैमिली मैन 2? वेब सीरीज़ फैमिली मैन 2 के लीड एक्टर कौन है, तो वो कौन है, वो है मनोज बाजपेयी जी, ठीक है याद रखिएगा। क्वेश्चन, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी एक विलन 2? फिल्म एक विलन 2 के निर्देशक कौन है, तो वो है मोहित सूरी, ठीक है याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य रॉय कपूर है इसमें, तारा सुतारिया, जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी। ये हाल ही में जो है वो प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विलन 2 याद रखिएगा, मोहित सोरी। विच वॉज द फर्स्ट मूवी ऑफ दीपिका पदुकोण इन 2022? जो 2022 में दीपिका पदुकोण की पहली मूवी थी वो कौन सी थी, वो थी गहराइयाँ। ये देखिए इस मूवी में अनन्या पांडे भी है, तो याद रखिए। द वाइट टाइगर मूवी रिलीज्ड इन 2021 ऑफ प्रियंका चोपड़ा इज बेस्ड ऑन विच नॉवल? प्रियंका चोपड़ा की 2021 में रिलीज हुई वाइट टाइगर फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है, तो किस उपन्यास पर आधारित है? ये मूवी का जो नाम है वाइट टाइगर और जो नॉवल का नाम भी है वो है वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। ये देखिए तो ये जो मूवी है इट इज़ बेस्ड ऑन द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ और भी इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।